गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी जी हाँ राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपना संजीव आर्य और जैसा कि आज आपको पता है कि आज हमारा दिन है साइंस पैडागोजी का और जिसमें हम करेंगे जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज हम बात करेंगे उन टीचिंग मेथड्स की जो यूज होते हैं साइंस में ठीक है और उन केवल हम उन्हीं के ऊपर अपना फोकस रखेंगे हम अदर उन पे नहीं जाएंगे टीचिंग मेथड्स पे हम केवल और केवल जो साइंस में हमारे लिए यूजफुल मेथड्स रहते हैं केवल हम आज उनकी बात करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा डिस्क्रिप्शन है आपके सामने अबाउट माई क्वालिफिकेशन मैं क्या कराता हूं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैडागोजी लिखा है यहां पर तो मतलब मैं डील करता हूं पेडागोजी में और मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं जो मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनकी पैडागोजी को लेकर चलता हूं तो इसी दौर में आज हम फिफ्थ क्लास कर रहे हैं अपनी साइंस पैडागोजी की और जिसमें आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस पैडागोजी और जी हां मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पल्लवी पाल जी पूजा आर्य और जी रीता सिंह जी आप सभी को गुड इवनिंग कैसे आप एक बार बताएंगे उसके बाद में आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और उससे पहले जैसा कि आपको पता है हम लेके चलते हैं एक मोटिवेशन वो होगा हमारा आज का वो क्या है जी देखिए इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव पॉजिटिव यदि आप सोच रहे हैं ड्यूरिंग नेगेटिव टाइम्स जो कठिन परिस्थितियों उनके अंदर भी यू आर यू हैव ऑलरेडी वोन आप ऑलरेडी जीत चुके हैं जी हाँ द वेरी फर्स्ट थिंग टू विन इन लाइफ इज द पॉजिटिव थिंकिंग यदि आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं आप जीत सकते हैं तो आप यकीन मानिए आप जरूर जीतेंगे और यदि आपको लगता है एक परसेंट भी आपके मन के अंदर है कि नहीं शायद मैं जीत ना पाऊं तो जी हां आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि शायद आप जीत ना पाए तो ये शायद जो है उसी को किल करने हमारी पूरी टीम जुटी हुई है आपके मन से शायद ही हमें निकालना है और आपके मन में जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हमें भरना है आपको पूरा सिलेबस हम करवा रहे हैं सी का पेपर वन पेपर टू का जी हाँ जी अभी मैं सेंड कर देता हूं सभी को लिंक पूजा आ रही है जी थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए ठीक है तो आ, तो भाई आपको दिख रहा है भाई यू हैव ऑलरेडी वन यदि आपको लगता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा के लिए ऑलरेडी जीत चुके हैं ठीक है तो चलिए अभी शाबाश फटाफट से स्टार्ट करते हैं जो है हमारी क्या रहेगी साइंस पेडागोजी या विज्ञान शिक्षण शास्त्र और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा वो क्या है मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस विज्ञान शिक्षण शास्त्र की विधियां ठीक है तो चलिए भाई शाबाश आप मुझे फटाफट से एक बार बताएंगे कि कौन कौन सी वो विधियां हैं या कौन कौन सी वो विधियां हो सकती हैं जो साइंस टीचिंग में बहुत अधिक यूजफुल होती हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और जी हां जब हम बात कर रहे हैं साइंस की तो वहीं पर आप एक साथ में इसके लेके चलेंगे ईवीएस पैडागोजी की भी बात आप लेके चलेंगे कि भाई ईवीएस पैडागोजी को भी आप साइंस से अलग ना समझें क्यों क्योंकि जो साइंस है वो सिक्स से आ, स्टार्ट होती है उससे पहले जो हमारी चलती है वो ईवीएस ही चलती है फटाफट से आप मुझे बताइए कि भाई कौन कौन सी आपको लगता है कि अलग अलग हमारे टीचिंग मेथड्स रहेंगे जो हम साइंस में यूज करेंगे जल्दी से शबाश मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनकी तरफ ध्यान से देख रहा हूं फटाफट से मुझे आंसर करेंगे भाई शबाश जल्दी से शबाश शबाश गुड इवनिंग अविनाश कुमार जी जी हां जल्दी से बताएंगे भाई कौन कौन से ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं किसमें साइंस पैडागोजी में मतलब साइंस पढ़ाने के लिए हम किन किन मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं जल्दी से मुझे आंसर देंगे शबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आगमन और निगमन विधि कहा रीता सिंह जी ने वेरी गुड कोई और विधि कोई और विधि सर प्रणाम आपको भी प्रणाम जी रजनीश कुमार जी जल्दी से आप भी बताइए कोई ऐसी विधि जिसका प्रयोग हम साइंस पैडागोजी में करते हैं शाबाश शाबाश जल्दी से आंसर देंगे वेरी गुड वेरी गुड प्लीज प्लीज जल्दी से आंसर दें और जो वीडियो का लिंक है वो तुरंत आप सभी के पास भेज दीजिए ताकि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट की वो इस क्लास का लाभ उठा सके जी हाँ घनश्याम सिंह जी आपको भी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग कह रहे हैं घनश्याम जी आपको गुड मॉर्निंग है और आकांक्षा गर्ग जी कैसे हैं आपको है गुड इवनिंग शबाद शबाद जल्दी से बताएंगे भाई कौन से कौन से मेथड्स का हम प्रयोग करते हैं साइंस पेडागोजी में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग कहा है पूजा आर्य जी ने भी वेरी गुड वेरी गुड देखते हैं जी क्या होगा घनश्याम जी कोई दिक्कत नहीं है भाई जब जागे तभी सवेरा आपने भी सुना होगा तो भाई अगर आप नींद से जाग चुके हैं जीतने के लिए तो वही गुड मॉर्निंग होती है हमारी और हमारी तो गुड मॉर्निंग वैसे भी आपको पता है रोज रात नौ से बारह बजे तक रहती है और ग्यारह से बारह बजे तक तो और भी ज्यादा एनर्जेटिक होकर हम पढ़ते हैं क्या सी ठीक है तो उस क्लास में भी हमें बने रहना है जी हाँ गुड इवनिंग आपने दोबारा से कहा तो आपकी बार आपको गुड इवनिंग कर लेते हैं कोई इश्यू नहीं है गुड इवनिंग गुड इवनिंग मॉर्निंग से इवनिंग से आफ्टरनून से कुछ फर्क नहीं पड़ता होना चाहिए क्या गुड होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए आपकी लाइफ में जी चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव से अलग क्या हो सकता है कौन सा मेथड हो सकता है उन्हीं मेथड्स को थोड़ा सा जान लेते हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस बने हैं हैं वो हम जानते और क्योंकि, और क्योंकि जो वो मेथड्स हैं मैं ये कहूंगा कि मैंने जितने भी पेपर्स को देखा जो भी हमारे ऑनलाइन पेपर हुए थे टू बी वेरी ट्रू टू बी वेरी ट्रू आगमन निगमन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना था दैट्स वाई क्योंकि हम जो आगमन निगमन विधि है वो और चीजों में भी करते हैं दैट्स वाई जो हमारा जो एग्जामिनर होता है वो खास केवल उन्हीं के ऊपर प्रश्न पूछता है उन्हीं विधियों पर प्रश्न पूछता है जो साइंस में कंपेरिटिवली अलग से ही यूज होती हैं आज हम उन्हीं की बात करते हैं ठीक है आकांक्षा गर्ग जी कह रहे हैं ऑथोरिटेरियन एंड अनऑथोरिटेरियन जी हाँ कोई और मेथड गुड इवनिंग आपको भी गुरमीत कौर जी

कौन से कौन से होंगे भाई एक होगा टीचर सेंटर्ड एक होगा स्टूडेंट सेंटर्ड और जो स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई लर्नर सेंटर्ड भी कह सकते हैं या चाइल्ड सेंटर्ड भी कह सकते हैं है ना जी मतलब आ, अधिगम करता, आ, केंद्रित या आ, आ, बाल केंद्रित इसको क्या कहेंगे भाई छात्र केंद्रित ठीक है मतलब आपके एग्जाम में जब भी कुछ ऐसा आए तो आपको तीनों में से कोई भी आए तो आपको क्या समझना है भाई इसी की एक की ही बात कर रहे हैं यहां तक आपको क्लियर है आ, आ, साइंस कॉन्सेप्ट जी पूछ रहे हैं कैसा हूं मैं राम राम जी आपको भी और मैं बहुत अच्छा हूं एकदम चकाचक हूं और आप भी मुझे बताइए जो स्टूडेंट्स मुझे पिछले वीक देख रहे थे थोड़ा सा मुझे तबीयत जो थी वो खराब हो गई थी बुखार हो गया था है ना डॉक्टर से पूछवाया तो वायरल कह रहे थे तो अब वो मेरे हिसाब से ठीक हो चुका है यदि आपके हिसाब से भी ठीक हो चुका है आपको लगता है कि फिर से वही जोश उसी के साथ हम पढ़ा रहे हैं ठीक है और जो चेहरे पे जो एक जो पिछली बार मुझे भी लग रहा था कि यार जो मतलब जो बुखार है ना वो चेहरे से भी दिखाई दे रहा है ठीक है आवाज से भी दिख रहा तो यदि आपको लगता है कि हम आ, उसी एक, आ, जो एक, जो एक जो एक हमारा जो एक जो स्पीड थी उसी पर वापस आ चुके हैं जो एक आवाज में जो दम होता है वही आवाज आ चुकी है तो प्लीज एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ ये केवल मुझे ही फील नहीं हो रहा बच्चों को भी डिफरेंस नजर आ जाता है चलिए जी क्या कह रहे हैं जी स्टूडेंट सेंटर डिस्कशन वेरी गुड कनेक्शन इंक्रीज ऑटोनोमी अरे वाह बिल्डिंग रिलेशनशिप अरे वाह भाई पूजा आ रही है जी आपको तो सारा पता है ठीक है जी सर जी लग रहा है फेस पर ग्लो ग्लो आ गया आपके जी आ, ग्लो होता ही है मेरे फेस पे वो तो बाय चांस भाई वो हुआ क्या कि भाई एकदम से जब मौसम बदलता है ना तो थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है आपको ही पता है भाई रातों को जाग जाग कर काम करना फिर आपके लिए क्लास तैयार करना वो सारी चीजें रहती हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है अब नहीं होगा इस चीज के लिए मैं गारंटी देता हूं अगर भगवान ने चाहा तो 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 और आप और आप सबका प्यार साथ रहा बिल्कुल तो भी नहीं होगा ठीक है तो चलिए भाई जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे थे देखो भाई यहां पर तो जो है टीचर सेंटर में तो जो टीचर मैडम होती है वो भाई क्या होती है ना आप देख ही रहे ऑथोरिटी इनके पास होती है और जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है उसमें स्टूडेंट जो मजे लेता है है ना चलिए भाई प्रोजेक्टिव डिस्कवरी चाइल्ड सेंटर जी हाँ आपने कहा विजय वर्मा जी कह रहे नाइस मधु ने कहा करते हैं आज के टीचिंग को, वेरियस को जानना, जानना शुरू करते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है जैसा कि आप सभी को पता है और आप भी बताएंगे जहां तक हम बात करें टीचर सेंटर्ड मेथड की तो उसमें जो टीचर होता है ठीक है आ, उसमें क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा अथॉरिटी जो होता है मेन अथॉरिटी जो होता है वो टीचर होता है और वहीं पर जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है उसमें जो टीचर की जो भूमिका रहती है आप मुझे बताएंगे किसकी होती है जी हाँ वेरी गुड इरफाना मुदस्सर जी ने पहले ही जवाब दे दिया है और वो क्या है फैसिलिटेटर जी हाँ गुड इवनिंग पूजा कौशिक जी कैसे हैं आप ठीक है तो भाई उनकी क्या भूमिका रहेगी गाइड की या एक फैसिलिटेटर की सुसाध्यकर्ता की है ना बच्चों के लिए जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है उनके लिए साधन जुटाना है वो जिस भी प्रकार से सीख सकते हैं उसी प्रकार से हमें उन्हें सिखाना है ठीक है तो फैसिलिटेटर की ही भूमिका रहेगी या फिर गाइड की कि भाई हम बस गाइड करेंगे करना सीखना अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का काम किसका है बच्चे का रहेगा टीचर का नहीं रहेगा जैसे कि बोलते भी है ना कि भाई हमारे पास ऐसी कोई दवाई तो है नहीं कि भाई पिला दिया और भाई ठीक हो गया या फिर भाई बच्चे की बात समझ में आ गई ठीक है तो सेम वहां पर यह है कि भाई करना तो बच्चे को ही है हमें जस्ट क्या करना है उसके लिए फैसिलिटेटर का काम करना है ना तो यहां पर जी गुड इवनिंग भूमि जी आपको भी ठीक है तो भाई यहां से आगे चलते हैं फटाफट से ठीक है जो एक और जो हमारी अप्रोच रह जाएगी वो क्या रह जाएगी जब हम टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड को मिलाकर पढ़ते हैं मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें जो टीचर है वो असिस्ट करेगा और कुछ जो होंगी हम चाइल्ड के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे उसको हम क्या कहते हैं मिक्स्ड अप्रोच कहेंगे है ना मिक्स्ड मतलब जिसमें दोनों को मिलाकर चलते हैं ठीक है चलिए भाई है ना तो दोनों का जिसमें दोनों का ही सहभागिता रहती है तो उसको हम क्या कहेंगे मिक्स्ड अप्रोच रहेगी जैसे कि हमारी जो अप्रोच है वो क्या है एक तरीके से मिक्स्ड अप्रोच है आप भी हमारा साथ देके चलते हैं और वहीं पर हम भी क्या कुछ आपको कराना है किस तरीके से कराना है एग्जाम ओरिएंटेड कैसे चलना है वो सब हम लेके चलते हैं और बाकी का जो बाकी का सारा बचा हुआ कार्य है वो आपका रह जाता है ठीक है हमें मोटिवेट करना हमारा ध्यान रखना हमारी क्लास को टाइम से अटेंड करना ये सारा काम सिर्फ आपका है बाकी का सब जिम्मा हमारा है तो मिलजुल कर जो चलता है वो क्या होगा मिक्स्ड अप्रोच रहेगी तो चलिए भाई फटाफट से चलते हैं जैसा कि आपको पता है जो लेक्चर मेथड है वो क्या है प्योरली टीचर सेंटर्ड है ठीक है लेकिन मैं ये कहूंगा जो लेक्चर सेंटर लेक्चर मेथड है वो क्या है मोस्ट एंशियंट है बात तो सही है उसकी बात क्या है मोस्ट कॉमनली यूज है अगर हम बात करें हमारे देश की तो आप क्या पाएंगे कि भाई जो लेक्चर मेथड है वो सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली हमारी ये क्या है टीचिंग विधि है मतलब शिक्षण विधि है टीचिंग मेथड है लेकिन मैं ये कहूंगा कि साइंस में कि साइंस में हम लेक्चर मेथड का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो वो कतई गलत है बिल्कुल गलत है हम साइंस को केवल लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते या पढ़ाते भी हैं तो गलत पढ़ाते हैं हमें नहीं पढ़ाना चाहिए गुड इवनिंग विकास कुमार जी कैसे हैं आप ठीक है तो चलिए भाई आगे चलते हैं समझते हैं आज हम बात करेंगे जो सबसे जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है जो रहेगा हमारा साइंस पैटागोजी के लिए जिसके ऊपर बने हैं मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस वो है अपना एक्सपेरिमेंट मेथड आपको भी पता है जो प्रयोग विधि है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्यों इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें बच्चा क्या है अपने आप से प्रयोग करके देखता है ठीक है जी जी हां आकांक्षा गर्ग जी डिमोन्स्ट्रेशन मेथड भी आएगा लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं सबसे पहले उसकी बात कर रहा हूं वो होगा अपना एक्सपेरिमेंट मेथड हम क्या करेंगे बच्चे से एक्सपेरिमेंट कराएंगे ये वो मेथड है जहां पर बच्चा स्वयं से एक्सपेरिमेंट करता है और स्वयं से एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम वहां पे नहीं रहेंगे हमें वहां पर रहना है हमें बच्चे को फैसिलिटेट करना है हमें बच्चे को क्या करना है हमें बच्चे को अगर कोई भी समस्या आ रही है उसको दूर करना है ठीक है और एक निगरानी रखनी है कि कहीं बच्चा एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ गलत ना कर जाए ठीक है क्योंकि आपको भी पता है क्योंकि आपको भी पता है कि भाई साइंस में कई बार क्या होता है एक्सपेरिमेंट गलत भी चले जाते हैं तो उन सब चीजों का ध्यान भी हमें ही रखना है तो यहां पर क्या होगा लेकिन हमें जब हम बच्चों से ही एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे एक्सपेरिमेंट मेथड जी हाँ करके सीखना ठीक है ना और इसमें क्या होगा ये जो हम एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं इन्हीं के द्वारा हम क्या लगवा सकते हैं साइंस एग्जीबिशंस लगवा सकते हैं विज्ञान प्रदर्शनी लगवाते हैं आपने देखा होगा ना कि भाई अलग अलग स्कूल्स होते हैं वहां पर क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों को कहेंगे कि भाई चलो मतलब साइंस के बारे में पढ़ाएंगे फिर कहेंगे कि भाई चलो कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं फिर बच्चे अपने लेवल पे अलग 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 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ठीक है और फिर उन बच्चों में जिनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं इनोवेटिव होते हैं कुछ यूजफुल होते हैं है ना तो उनको हम क्या करते हैं साइंस एग्जीबिशन में लेके जाते हैं ताकि बच्चों का एक जो है एक प्रमोशन मिले उनको एक अच्छा उनके अंदर एक फीलिंग आए कैन yes डू बहुत अच्छा इनको फील हो ताकि वो लाइफ में और आगे बेटर कर पाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं साइंस एग्जीबिशन भी लगवाते हैं ठीक है तो आपको ये समझना है कि एक्सपेरिमेंट मेथड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड इन साइंस टीचिंग ठीक है चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से एक एक दो हजार बाईस को आया हुआ प्रश्न है जी नए साल के पहले दिन का पहला प्रश्न है आपके सामने शबाश इसका देखते हैं। सबसे पहले कौन दे पाता है वेरी गुड जी आंसर देंगे शबाश शबाश जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर क्वेश्चन uh, आने शुरू हो चुके हैं भाई जल्दी से आंसर देंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आ इरफाना मुदस्सिर जी का नेट बिल्कुल काम कर रहा है बढ़िया से और उन्होंने आंसर दिया है बी पुजार्य भी, भी आकांक्षा गर्ग ने भी कहा बी 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 रीता सिंह ने कहा बी आकांक्षा गर्ग ने बी कहा ही है जफर मुल्ला ने कहा है बी और मंजुला कुमारी जी ने भी कहा है बी 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 ठीक है जी ओ, जी हाँ हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बी ही होगा बिल्कुल सही प्रश्न में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस इन साइंस जी हाँ यहां पर एक शब्द है हाइपोथेसिस इसकी भी बात कर ही लेते हैं ठीक है या फिर हिंदी में कहें परिकल्पना क्या होती है परिकल्पना क्या होती है परिकल्पना जी हां आज काम कर गया है आपका नेट और इसलिए मैं चलो आपका नाम लिख देता हूं क्यों क्योंकि आपने दिया है सबसे पहले आंसर और आपका नेट कर रहा है आज काम सबसे बेहतर ठीक है तो चलिए भाई शबाद जल्दी से आंसर देंगे बताएंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते हैं समझते हैं थोड़ा सा वट इज या परिकल्पना क्या होती है शबाश शबाश वेरी गुड वेरी गुड शबाश देखते हैं कौन आंसर दे पाता है हाइपोथेसिस क्या होता है वेरी गुड शबाश हाइपोथेसिस या हिंदी में अगर समझे तो एक होती है कल्पना एक होती है परिकल्पना क्या होगा चलिए मैं तब तक आप आंसर दीजिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं देखिए कल्पना क्या होती है कल्पना होती है जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं ठीक है ना जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं ठीक है तो इमेजिन करने से जो रिलेटेड चीज है मतलब जब हम क्या करते हैं कि भाई हम आ, कोई भी चीज करने से पहले आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है मान के चलिए आपने कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करनी है या आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है ठीक है जी किसी भी प्रॉब्लम का आपको कोई सोल्यूशन निकालना है ठीक है तो ये जो हमारी हाइपोथी होती है ना इसको हम क्या कहेंगे दीज़ आर सोल्यूशन टेंटेटिव सोल्यूशन का मतलब क्या है ये वो सोल्यूशन है जो हो सकते हैं ठीक है ना देखिए जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है मान लीजिए ये प्रॉब्लम है हमारे सामने और ये सोल्यूशन है तो हमारे यहां से यहां तक जाने के कई रस्ते नजर आते हैं ऐसे भी जा सकते हैं ऐसे भी जा सकते हैं ऐसे भी 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 जा जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं 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 यहां 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 से 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 ठीक है कई कई तरीके तरीके हम वहां पे तो ये जो ना वहां पहुंचने के कि भाई मैं ये भी कर सकता हूं मैं ये भी तो काम कर सकता हूं मैं ये भी काम कर सकता हूं इस चीज का सोल्यूशन ऐसे भी निकाला जा सकता है ऐसे भी निकल सकता है तो ये जो हमारे माइंड में जो उस टाइम पे सोच आती है उसी को क्या कहा जाता है हाइपोथेसिस अब ये क्या कह रहा है फॉर टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस अगर आपके माइंड में एक हाइपोथेसिस आई है ठीक है अगर आपके माइंड में एक हाइपोथेसिस आई है कि भाई एक कल्पना आई है कि भाई मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं तो उसका बेस्ट सूटेड मेथड क्या है उसको टेस्ट करने का उसको टेस्ट करने का मेथड तो सबसे बेस्ट यही है कि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें ना आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है भी या नहीं है ठीक है तो मतलब जब तक हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे केवल ख्याली पुलाव में हम सोच रहे हैं कि ये काम ऐसे हो सकता है तब तक तो वो नहीं होगा ना ठीक है वो काम होगा कब वो होगा तब जब हम उसको प्रयोग करके देखेंगे ठीक है तो हाइपोथेसिस जब भी आए तो आपको समझ लेना है कि ये टेंटेटिव है है ये एक वो है जो हो सकता है लेकिन अभी तक आपने करके नहीं देखा है जो वो कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है सोल्यूशन है ठीक ठीक है 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 तो आपको जस्ट ये समझना है कि भाई कई सारी हो सकती है। है? शुरुआत में किसी काम को करने से पहले कई सारी हाइपोथीसिस हो जाती है जैसे कि मैं कहूंगा जब एडिसन ने टॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया ठीक है तब उसने कई बार कहते हैं दस हजार बार उन्होंने क्या किया बार बार अलग अलग प्रयोग करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और लास्ट में जाके उन्होंने सफलता पाई ठीक है तो मतलब कहने का यही है कि उनके माइंड में जितनी भी हाइपोथेसिस आती रही उसने उनका प्रयोग करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और लास्ट में उन्होंने सफलता प्राप्त की अगर वो प्रयोग ही नहीं करते तो सफलता मिलती ही नहीं ठीक है तो यहां पर क्या है हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया था ठीक है जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है साइंस इज टेंटेटिव ठीक है हाँ बिल्कुल जिसको चेंज कर सकते हैं वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल आप सभी सही कह रहे हैं चलिए आगे चलते हैं भाई शबाश पांच एक दो हजार बाईस को आया हुआ प्रश्न है जी क्रिएटिविटी इन साइंस कैन बी बेस्ट असेस्ट बाई किसके द्वारा असेस की जा सकती है बेस्ट तरीके से जी यहां शबाश जल्दी से आंसर देंगे वेरी गुड देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन दे पाता है अरे अगेन इरफाना मुदस्िर जी आज तो कमाल कर रहे हो आप पूजा आर्य जफर मुल्ला जी हाँ सभी का आंसर सही आ रहा है परमवीर सिंह रीता सिंह पूजा कोशिक आकांक्षा गर्ग एग्जीबिशन लिख दिया है अब तो पूरा ही है ना और जी हाँ बिल्कुल सभी का आंसर सही है मंजुला कुमारी जी आपका भी आंसर सही है क्या एग्जीबिशन एग्जीबिशन के द्वारा ही हम क्या देख पाते हैं क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है बच्चे की है ना मतलब वो कैसे चीजों को एक्सपेरिमेंट करके और फिर वो उनको दिखा सकता है शो कर सकता है है ना तो वो क्या होगा हमारा एग्जीबिशन जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा था आफ्टर दैट शबाश आंसर देंगे घूर्णन गति मतलब सर्कुलर मोशन को आपको दिखाना है कि भाई सर्कुलर मोशन कैसा होता है ठीक है ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एड फॉर द टीच फॉर ए टीचर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन को दिखाने के लिए सबसे बेस्ट कोर्सा होगा uh, बिल्कुल अब की बार सबसे पहले जो मैं सही आंसर देख पा रहा हूं वो है जफर मुल्ला का उन्होंने कहा है ए उसके बाद इरफाना मुदस्सिर ने कहा ए मतलब फैन आफ्टर दैट पूजा आर्य ए रीता सिंह ए अरविंद कुमार ए अमजुला कुमारी ए परमवीर सिंह ए पूजा कौशिक ए जी ब्लेड्स ऑफ फैन बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो ब्लेड्स ऑफ फैन होते हैं वो क्या घूमते हैं सर्कुलर मोशन में घूमते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा क्यों क्योंकि वो क्या है बच्चे का जो इन्वायरमेंट है उससे जुड़ा हुआ है बच्चा रोज फैन को देखता है घूमते हुए ठीक है ना गर्मियों की बात कर रहा हूं सर्दियों में नहीं देखता वो एक अलग इश्यू है ठीक है मतलब उसने बहुत बार देखा हुआ होता है तो उसको पता है कि भाई ये हमेशा ऐसे ही घूमता है गोल ही घूमता है तो ये भी एक प्रकार का मोशन है वो क्या होगा सर्कुलर मोशन है हम उसके द्वारा दिखा सकते हैं चलिए भाई शबाष नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसका आंसर जो देगा उसका मैं नाम लिखने वाला हूं बिल्कुल ए इज राइट आपने सही कहा विकास कुमार जी शबाश जी, आपका भी बिल्कुल सही था। इसका कौन दे पाता है और कौन लिखवाता लिखवा पाता है यहां पर अपना नाम क्या है जी मिस्टर महेश टोट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्बन जो कंबन होता है मतलब जो हिंदी में क्या कहेंगे भाई इसको आ, दहन है ना दहन को प्रभावित करने वाले कारक की अवधारणा का समझ आकलन के लिए करने के लिए है वास्तविक कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा वास्तविक कार्य बताना है जी हां शवाश, शवाश पुजारी ने कहा सबसे पहले की बार सी रीता सिंह सी इरफान सी इरफान कह रहे भाई नेचुरल होना चाहिए हाँ बिल्कुल आफ्टर दैट आकांक्षा गर्ग सी जफर सी अरविंद कुमार सी महेंद्र कुमार ने कहा है बी मंजुला कुमारी सी पूजा कौशिक सी परमवीर सिंह सी और जी हां हमारा आंसर सही है डी क्यों डी सही है अब ये देखना है क्रिएट ए फायर एक्सटिंग्विशर आप बच्चे से कुछ नेचुरल बनवा रहे हैं क्यों बनवा रहे हैं यूजिंग कॉमनली अवेलेबल आइटम्स जो कॉमनली अवेलेबल आइटम्स है ना जो कॉमनली अवेलेबल आइटम्स है जो उसके आसपास के अवेलेबल आइटम्स आप कहें कि भाई क्या आप इनसे एक फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं यहां पर देखिए एक शब्द है क्या है बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक टास्क ऑथेंटिक टास्क करना है मतलब कुछ काम का कार्य करना है ना? Uh, of, uh, of कौन -कौन है ना टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंबशन कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कंबशन को फेक्ट करते हैं हाँ मैं बताता हूं सी क्यों नहीं हो सकता वहां पर भी आते हैं अराउंड यू दैट आर इन नेचर ठीक है अब मैं बताता हूं कि भाई फैक्टर्स की बात करें अगर हम बात करें कि भाई कंबशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा भाई जो फैक्टर है वो क्या रहेगा भाई ऑक्सीजन रहेगा ठीक है जी आपने भी देखा होगा कि भाई हम मोमबत्ती लेते हैं जलाते हैं और फिर उसके बाद में अगर उसको हम ग्लास से ढक देते हैं मतलब जार से ढक देते हैं तो कुछ देर के बाद में बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है बंद हो जाती है ठीक है तो वो हो जाएगा भाई फैक्टर ठीक है उसके बाद में क्या होगा भाई फ्यूल होना भी जरूरी है अगर मोमबत्ती ही नहीं होगी ठीक है इसी एक्सपेरिमेंट में समझ के देखिए ये वाला जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई मान लो ये कैंडल है ये इसके ऊपर एक फ्लेम चल रही है और हमने इसके ऊपर एक जार रख दिया कुछ देर के बाद बंद हो गया यहां पर तीनों ही चीजें हैं यहां पर जो ये है ये किसको ऑक्सीजन को रोकने का काम कर रहा है ये जो है हमारी कैंडल है ये क्या है एक तरीके से फ्यूल है हमारा तरीका क्या फ्यूल ही है ठीक है एंड द थर्ड थिंग इज जो हीट चाहिए जो एक मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट की जो एक लाइट चाहिए हीट चाहिए वो भी तो चाहिए ना उसको ठीक है अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं होगी तो कंबशन होगा ही नहीं ठीक है तो यदि इन तीनों में से एक भी चीज को अगर हम रोक दे इन तीनों में से एक भी चीज को अगर हम रोक देंगे तो क्या होगा आग बुझ जाएगी सिंपल सी बात है तो बच्चे अगर एक फायर एक्सटिंग तो से किसी एक फैक्टर को खत्म करना होगा ठीक है ना इन तीनों में से किसी एक को खत्म कर दो अपने आप आग बुझेगी सिंपल सी बात है ना तो बुझाने के लिए सबसे पहले तो फैक्टर्स को जानना पड़ेगा ना और उसका एक ऑथेंटिक टास्क जानने के लिए हम क्या करेंगे कार्रवाई करवा सकते हैं सी क्यों नहीं होगा वहां पर देख लेते हैं लिस्ट लिस्ट द अराउंड यू आप एक लिस्ट बनाने के लिए कह रहे हैं जबकि मैं किस पे जोर दे रहा हूं मैं लिखने पर जोर नहीं दे रहा हूं मैं जोर दे रहा हूं किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब करके दिखाओ उस चीज को केवल लिखने से नहीं लिस्ट तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी लेकिन उसको करके कैसे देखेंगे आप जब तक ये खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे कि इन तीनों फैक्टर्स के बिना काम नहीं चल सकता ठीक है तो तब तक आप कैसे जानेंगे केवल बुक्स में लिखा हम कहां पूरा सच समझ पाते हैं ठीक है लिस्ट द दबस्टांसिस अराउंड यू दैट आर इनफ्लेमेबल इन नेचर है ना कौन कौन सी चीजें इनफ्लेमेबल हैं ठीक है ठीके? तो आप यह पाएंगे कि मोस्टली चीजें मोस्टली चीजें जो है वो इनफ्लेमेबल होती है वो उनका जस्ट एक लेवल होता है कि भाई वो किस लेवल पे जाके वो गर्म हो हो गई है ना वो एक अलग चीज है वो किस टाइम पे जाके वो जलेंगी वो एक अलग चीज है भाई कुछ चीजें होती है। जल्दी आग पकड़ लेती है कुछ चीजें देर से आग पकड़ेंगी वो तो होगा वो लिस्ट तो बनेगी लेकिन क्या लेकिन क्या इन इस लिस्ट बनाने से क्या ये लिस्ट बनाने से क्या बच्चा ऑक्सीजन तक पहुंच पाया क्या बच्चा ऑक्सीजन तक पहुंच पाया क्योंकि जो भी वो देख रहा है उसके आसपास ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ठीक है तो क्या वो यहां तक पहुंच पाएगा आप इस चीज को खुद से सोचिए वो फ्यूल तक तो पहुंचेगा एग्रीड जो भी उसको फ्यूल लगेगा वो उसका नाम लिख देगा लेकिन क्या वो यहां तक पहुंचेगा क्योंकि उसको दिख दिखता है कि भाई उसको ये तो पता नहीं कि भाई ऑक्सीजन की एफेंस में ये बंद भी होगा ठीक है तो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने से वो एग्जेक्टली सभी फैक्टर्स तक उसको जाना ही पड़ेगा दैट्स वाई आप समझिए दो चीजों के ऊपर ये जो है सी वाला जो है वो कंपेरिटिवली कम रह जाता है डी वाले से क्या पहली बात तो यहां पर केवल लिखने का कार्य है दूसरी बात यहां पर क्या है कि वो करके दिखाने नहीं पा रहा है ठीक है ना करके नहीं दिखा पा रहा है और यहां पर जैसे कि मैंने बताया वो सभी फैक्टर्स तक नहीं पहुंच सकता सभी फैक्टर्स तक केवल कब तक पहुंचेगा जब वो डी पर कार्य कर रहा है और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि वो क्या है, कर रहा है और वो क्या है ऑथेंटिक टास्क कर रहा है वो अपने हाथ से कुछ बना रहा है और हमें यही तो करवाना है बच्चे से ठीक है तो इस चीज को आपको समझ के चलना है ठीक है आ, बिल्कुल आ, आप क्लास अच्छे से अटेंड कर पाएंगे थोड़ा सा देखिए आसपास में वाईफाई होगा है ना देखिए देखिए आप क्लास लाइव अटेंड करने से क्या बेनिफिट है यही तो बेनिफिट है जैसे कि अभी इनके मन में एक डाउट आया तो इन्होंने पूछ लिया है ना हाँ बिल्कुल आ, हैंडस ऑन एक्टिविटीज डी ऑप्शन में ही है बिल्कुल सही बात है अगर आपको मैं सीधा डी बता देता और इन्होंने इरफाना जी अगर क्लास में नहीं रही होती और इन्होंने मुझसे नहीं पूछा होता तो मैं कैसे एक्सप्लेन करता मैं नहीं कर पाता ना तो अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो आपको लाइव क्लास ही अटेंड करनी चाहिए मेरा ये मानना है ठीक है आफ्टर दैट यहां पर देखिए भाई इंग्लिश में लिखा है अगली स्लाइड में हिंदी में भी आएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था देख लेते हैं मेनी साइंस टेक्स्ट बुक्स सच एज द एनसीआर प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक एनेक्डोट्स स्टोरीज एंड स्ट्रेंज फैक्ट्स इन ए बुक्स रेलिवेंट चैप्टर में कुछ कहानियां बताई जाती हैं है। और कुछ फैक्ट्स भी दिए जाते हैं जिस तरीके से मैंने ये बुक्स बना रखा है ना आपने भी देखा होगा कि जो हमारी साइंस की बुक्स होती हैं उनमें भी कोई ऐसा बुक्स बना होता है और उसमें एक्टिविटीज वगैरह बताई जाती हैं ऐसे कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं विद इन द रेलिवेंट चैप्टर उससे रेलिवेंट चैप्टर में Which ऑफ द फॉलोविंग इज not करेक्ट विद रिगार्ड टू these? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है अब यहां पे देखिए आंसर आने शुरू हो गए हैं जफर मुल्ला ने कहा है ए आकांक्षा गर्ग ने कहा है बी पुजारी ने कहा है ए और परमवीर सिंह ने कहा है बी मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं अगर भाई किसी को कोई हिंदी में अगर पढ़ना है तो ये बच्चों के लिए अनुपूरक पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करते हैं क्या सही नहीं है ये बताना है भाई नहीं पर ध्यान देना है ठीक है आफ्टर दैट ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक है यह विद्यार्थियों की विषय में रुचि जागृत करने में सहायक हो सकते हैं यह विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार हो सकते हैं जी हां अब बताइए क्या होगा आपका आंसर शबाश कौन सा सही नहीं है जो नहीं है वही सही है यहां पर बताना है आपका आंसर वही सही होगा चलिए शबाश देखते हैं भाई जफर मुला ने कहा था ए आकांक्षा गर्ग ने बी ए आफ्टर दैट परमवीर सिंह ने कहा बी इरफान मुदस्सिर बी महेंद्र कुमार कह रहे हैं सी मंजुला कुमारी बी 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 रीता सिंह सिंह डी पूजा कौशिक आकांक्षा अगर अगेन अगेन और जी आंसर बी क्योंकि ये जो होते हैं ना ये एक्स्ट्रा चीजें दी जाती हैं ये हम इसका मूल्यांकन नहीं करते हैं जो बॉक्स में होता है ना वो कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आता है वो हमेशा क्या होता है पहला देख लेते हैं भाई अनुपूरक पाठ्य सामग्री अनुपूरक मतलब क्या होगा या यहां पर भाई इंग्लिश में अगर देखें तो एडिशनल होगा है ना एडिशनल होता है भाई बच्चे का किसी का मान लो साइंस में इंटरेस्ट है वो और ज्यादा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ सकता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं होता है लेकिन हाँ फिर भी वो बच्चे के लिए जिसका इंटरेस्ट है या बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए वो काम का होता है आफ्टर दैट विद्यार्थियों के विषय में रुचि जागृत करना अभी मैंने बात की रुचि जागृत होती है भाई उससे आफ्टर दैट ये विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं जी उससे ही समझ में आता है हमें कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या ठीक है तो दैट्स वाई क्योंकि यहां पर ऑप्शन में क्या था मतलब क्वेश्चन में क्या था नहीं पूछा गया था दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी ही होगा हमारा बिल्कुल सही ठीक है और क्योंकि यहां पर आकांक्षा गर्ग ने सबसे पहले आंसर दिया था दैट्स वाई मैं उनका नाम यहां पर लिख रहा हूं जी, जी ठीक है जी, ठीक है है मैडम यू आर बिल्कुल। मूल्यांकन नहीं करती चलिए देखिए मैंने अगर आपने मेरी क्लासेस रेगुलर लगा रहे हैं तो मैंने कहा था कि हुक एक्टिविटी वो होती है जो बच्चों में इंटरेस्ट जगाती है है ना आप बच्चों से कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट जाए उस चीज के प्रति है ना तो यहां पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन इज द वन

छात्रों को उनके आवास के आसपास के अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्रित करने को कहना छात्रों को खेत में पौधा रोपण करने को कहना खेत में मिट्टी खोदने के बाद उसकी परतों को अलग अलग करने को कहना फसल उत्पादन में मिट्टी की विभिन्न परतों का महत्व दर्शाता वीडियो दिखाना शबाश क्या होगा भाई आंसर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जफर मुला ने कहा सी आकांक्षागर कह रहे ए पूजा ए इरफाना ए गुरमीत कौर ए और भाई महेंद्र कुमार ए रीता सिंह ए वेरी गुड वेरी गुड पूजा कौशिक ए वंदना यादव डी आकांक्षा गर्ग ने फिर से लिख दिया है ए प्रीता नेगी ए जी नहीं हमारा जो सही आंसर है वो है केवल और केवल अभी तक जो जफर मुल्ला जी हैं हमारे उनका आंसर बिल्कुल सही है क्यों होगा बिल्कुल सही उनके आवास के आसपास के अलग अलग स्थानों की मिट्टी मिट्टी के नमूने एकत्रित करने को कहना मान लिया ये बात सही है लेकिन प्रश्न में क्या है मिट्टी की विभिन्न किस्मों पर मिट्टी की विभिन्न किस्मों पर ठीक है मिट्टी की विभिन्न किस्में होती किस कारण से हैं मिट्टी की जो अलग अलग किस्में हैं वो होती किस कारण से आप देखें तो ये पहले तीनों ही क्या हैं एक्टिविटीज हैं पहली तीनों ही क्या है एक्टिविटी बेस्ड है ठीक है लेकिन इनमें जो है असल जो है कि भाई अलग अलग जो हम पढ़ते देखे जब हम मिट्टी को ऊपर से देखते हैं तो वो थोड़ी सूखी होती है थोड़ी जब और गहराई में जाते हैं तो वो थोड़ी सी और गीली हो जाती है जैसे जैसे गहराई में जाते जाते हैं तो उसका जो कलर है उसका जो एक जो हम कहेंगे जो उसके जो कण होते हैं उनका जो एक साइज है उनका जो मतलब एक जो हमारा मॉइस्चर है वो सारी चीजें जो है वो बदलती रहती है तो आप क्या देखेंगे खेत में मिट्टी खोदने के बाद उसकी परतों को उसकी जो अलग अलग परतें हैं अलग अलग करने को कहना कि भाई की अलग अलग पढ़ते हैं ना उनको आप अलग अलग करो उससे पता चलेगा क्योंकि अगर हम आसपास की मिट्टी को देखेंगे क्योंकि देखिए आपके जो छात्र होंगे वो तो आसपास के ही होंगे ऐसा तो नहीं है कि भाई एक एक छात्र आपका छत्तीसगढ़ से आया हुआ है आपके स्कूल में पढ़ने के लिए है ना एक जो छात्र है वो पंजाब से आ रहा है एक छात्र हरियाणा से आ रहा है एक छात्र तमिलनाडु से आ रहा है ऐसा तो नहीं है ना ठीक है आसपास के छात्र होंगे ठीक है तो उन आसपास के छात्रों से अगर आप आसपास के उनके घर के आसपास की मिट्टी मंगवाएंगे तो आसपास की मिट्टी होगी ठीक है लेकिन एक ही मिट्टी में एक ही जगह की मिट्टी में जब हम उसको खोदते हैं तो उसी में अलग अलग प्रकार की मिट्टी परत दर परत बदलती हुई आप भी देख सकते हैं ठीक है तो उससे क्या होगा अलग अलग किस्में पता चल जाती है बच्चे को कि हाँ ये किस्में पहली बात तो होती क्या है और दूसरी बात ये बदती कैसे है इस चीज का भी पता चल जाता है जब वो उसकी खुदाई करता है तो ठीक है तो भाई हाँ इसमें जो है आ, ए में क्या गलत पॉइंट है ये भी मैं हाँ ए में गलत पॉइंट अभी मैंने बताया ठीक है बिल्कुल 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 आ, नहीं कर सकते ना बिल्कुल लेयर्स को आप एक काम करना जब कभी कहीं पे खुदाई चल रही हो ना कहीं पे अगर कभी आ, कोई जैसे कि आप दिल्ली में अगर देखते हैं कि भाई मेट्रो के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है तो थोड़ी देर अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको अलग से दूर से ही लेयर्स खड़ी मतलब दिखाई दे जाएंगे कि ये एक अलग लेयर चल रही है ये फिर एक अलग लेयर आ गई है ये एक अलग लेयर आ रही है ठीक है तो ऐसे ही जब हम थोड़े लेवल पे भी खोदते तब भी आपको अलग अलग टाइप का लेयर्स दिखने लग जाती है वो क्यों होती है क्योंकि भाई जैसे जैसे मिट्टी की जो नमी होती है या जो उसके जो कणों का साइज होता है उसी के हिसाब से वो नीचे जाना शुरू कर देती है ठीक है तो उसी से तो अलग अलग किस्मों का पता चलता है ठीक है कि भाई कैसे अलग अलग मिट्टियां होती है ठीक है तो इसलिए मैं इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा ठीक है तो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये भी भाई लंबा क्वेश्चन है तो इसलिए जो भी इसका आंसर देने वाला है मैं उसका नाम लिखने वाला हूं यहां पर शबाश देखते हैं जल्दी जल्दी से अलग अलग जगह से मिट्टी लाने में टाइम लगेगा नहीं टाइम नहीं लगेगा लेकिन क्योंकि जो आपके बच्चे जो है ना वो एक ही जगह से तो होंगे देखिए मैं क्या कहता हूं कि भाई जो हमारा जो आ, एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कहता है जो आर है वो भी ये कहता है कि भी बच्चा जो है उसके एक किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर स्कूल होना चाहिए प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं ठीक है ना और अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो भाई तीन किलोमीटर का एरिया हो सकता है ठीक है तीन किलोमीटर के रेडियस में आपको क्या लगता है कि तीन किलोमीटर के रेडियस में मिट्टियां अलग अलग हो जाएंगी नहीं होती है ठीक है आमतौर पर नहीं होती है ठीक है इसलिए हम क्या करेंगे एक ही जगह पे खेत की जो मिट्टी है जो कि ऑलरेडी थोड़ी सी वैसी होती है खोदरे में आसान होती है उसी को भी अगर हम देखेंगे तब भी हमें वहां पर मतलब अलग अलग मिट्टी के लेयर्स मिल जाएंगे ठीक है आ, क्या कह रहे हैं मिस्टर राकेश टोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंजेस इन हिज क्लास केमिकल चेंज पढ़ाया उन्होंने से तरीके से बच्चों को बेस्ट तरीके से एसेस कर सकता है क्या होगा भाई हिंदी में देख लेते हैं फटाफट से छात्रों को एक मैग्निशियम पट्टी जलाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखने के लिए कहना चूने के पानी में गैस प्रवाहित करने की व्यवस्था स्थापित कीजिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए घोल तैयार कीजिए रासायनिक परिवर्तन के लिए कम तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार कीजिए जी हां क्या होगा आंसर बिल्कुल 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 हां एक जगह से इजीली हो जाएगा बिल्कुल सही बात है एक जगह से कंपेरेटिवली इजीली हो जाएगा यहां पर देखिए भाई अतुल रोहिला जी कह रहे हैं सी अच्छा उसका आंसर दिया आपने सी मंजुला कुमारी कह रहे हैं यहां पर डी परमवीर सिंह कह रहे हैं सी महेंद्र कुमार कह रहे हैं ए और भाई आकांक्षा गर्ग जी ने कहा सी हां बिल्कुल बिल्कुल आप भी वही बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं जी ठीक है रीता सिंह जी कह रहे हैं सी आकांक्षा गर्ग कह रहे हैं हैं ए पूजा कह रहे सी ठीक है और जी हाँ हमारा आंसर सही है बिल्कुल बार आपका मैक्सिमम का आंसर वही आया है वो क्या है सी बिल्कुल और देखते हैं जी सबसे पहले सी आंसर किसने दिया है यहां पर दिया है जी अब की बार परमवीर सिंह जी वेरी गुड आपका आंसर आपकी बार बिल्कुल सही है सी ठीक है जी परमवीर जी आपका आंसर सही है क्यों क्योंकि देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक पर परत लगाने के लिए घोल तैयार कीजिए ठीक है शायद ये प्रश्न हमारे पास पहले आ चुका है ठीक है आप बारह एक दो हजार बाईस का है ठीक है कि भाई देखिए जो लोहा है ठीक है लोहा है वो इजीली अवेलेबल है हमें क्या देखना है जो चीजें उसके इन्वायरमेंट में है जो उसके आसपास की है अब भाई मैग्नीशियम पट्टी तो उसके आसपास की चीज नहीं है आप समझिए ना मैग्नीशियम की पट्टी तो उसके आसपास की चीज नहीं है ठीक है चूने को पानी में गैस प्रवाहित करने की व्यवस्था स्थापित कीजिए चूने के पानी में गैस प्रवाहित करना आप समझ सकते हैं चूना लेना पानी लेना ठीक है और जबकि लोहा इजीली है या चूना इजीली अवेलेबल है आप देखिए रासायनिक परिवर्तन करने के लिए कम तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार कीजिए सबसे इजी क्या है सबसे इजी यही है कि अब बच्चों ने भी देखा है कि भी लोहे के जो गेट होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं पेंट लगा देते हैं पहले प्राइमर मारा फिर उसके ऊपर पेंट मार दिया बात खत्म ठीक है ना क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाएगी पानी है वो रुक जाएगा होगा ही नहीं जंग कभी लगेगा ही नहीं ठीक है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये वाला जो होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो चलिए भाई शाबाश आगे देखते हैं अब जो दूसरा जो मेथड है जिसके बारे में आपने भी मुझे बताया जो हमारा देखिए कई बार क्या होता है अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट्स की है ना जो हमने एक्सपेरिमेंट मेथड देखा प्रयोग विधि देखी उसमें हमने क्या पाया कि बच्चा प्रयोग अपने हाथ से करता है अपने आप से करता है ठीक है लेकिन कई बार ये प्रयोग क्या होते हैं आपको ये पता है भाई साइंस जो है वो थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाता है कई बार हाँ ना कई बार बच्चे को आपने कुछ प्रयोग करने के लिए दिया और अगर वो प्रयोग गलत हुआ तो वो क्या हो सकता है वो लिथल हो सकता है ना घातक हो सकता है बच्चे के लिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो टीचर है या जो लैब असिस्टेंट है वो खुद से उनको कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाए और वो जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है उसी को हम क्या कहते हैं डिमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि इसमें बच्चा जो है वो देखता है और टीचर जो है वो डिमोन्स्ट्रेट करता है ठीक है इस चीज को आपको समझना है होता एक्सपेरिमेंट ही है लेकिन जो अब की बार एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है टीचर या लैब असिस्टेंट ठीक है हाँ, बिल्कुल ये टीचर होता है, ये टीचर टीचर सेंटर्ड सेंटर्ड होता होता है है एग्जैक्टली लेकिन फिर भी फिर भी ये मल्टी सेंसरी कहा जाता है लेक्चर मेथड से कहीं भला है ये टीचर सेंटर्ड होने के बावजूद भी लेक्चर सेंटर से बेटर है क्यों क्योंकि इसके अंदर बच्चा काम को स्वयं होते अपनी आंखों के सामने देख रहा है ठीक है तो डिमोस्ट्रेशन मेथड होपफुली आप समझ रहे हैं जैसा कि मैंने अभी बताया ये होता है इसमें बच्चा देख सकता है सुन सकता है और चीजों को समझ सकता है That's why ये इसी principle पर आधारित है यह विधि देखो सुनो व समझो के सिद्धांत पर आधारित है बच्चा देखता है सुनता है और फिर चीजों को समझता है ठीक है आफ्टर दैट इसीलिए इसको क्या कहा जाता है जैसे मैंने अभी कहा मल्टी सेंसरी है ना ये मल्टी सेंसरी ये एक से अधिक ज्यादा सेंसरी पर कार्य करता है ठीक है जैसा कि आपको मैं बताऊं भाई ये एक एक्सपेरिमेंट है ठीक है एक्सपेरिमेंट मतलब इन द सेंस कि मैं कहूंगा कि जब मैं खुद बी कर रहा था तो मेरे एक साथी होते थे अनुज गुलिया ठीक है उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि उन्होंने एक बनाया ऐसा वोलकैनो टाइप में ठीक है और उसके अंदर बाहर उन्होंने यहाँ पे यहाँ पे लाख जो होती है ना वो लगा दी उन्होंने और अंदर एक अनार जला दिया समझ रहे और जो अनार जो था वो गर्मी तो होती है उसमें जब वो गया बाहर तो वो जो लाख होती है वो पिघली साइड की और ऐसे ऐसे जो बह के वो बाहर जो है वो लावा के जैसे वो उसने बहना शुरू कर दिया किसने जो लाख थी उसने ठीक है तो इस तरीके के हम डिमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं कि भाई जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा कैसे बाहर निकलता है ठीक है तो मतलब ये क्या है डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाना जो कि बच्चों के लिए जो है खतरनाक हो सकता है उस चीज को हम टीचर या जो लैब असिस्टेंट है वो करके दिखाते हैं ठीक है अब डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का एक ये और मैंने भाई जिफ जो है वो उठाई थी कि भाई किस तरीके से हम चीजों को बच्चों को स्वयं से करके दिखाते हैं बच्चे यहां पर खुद से नहीं करेंगे इस चीज को आप ध्यान से समझें चलिए भाई आगे देखते हैं इससे क्या होता है बच्चे को डायरेक्ट और परमानेंट नॉलेज प्राप्त होती है क्योंकि बच्चे ने उस चीज को अपने आप से होते हुए देखा है तो क्या होगा वो नॉलेज क्या हो जाएगी परमानेंट हो जाएगी और क्योंकि सीधे सीधे देखा है तो क्या हो जाएगी डायरेक्ट हो जाएगी है ना उसने केवल पुस्तकों में नहीं पढ़ा है उसने ये चीज होते हुए देखी है ठीक है और क्या होगा एक्सट्रीमली यूजफुल होगा किस चीज में साइंस में और ज्योग्राफी में है ना साइंस टीचिंग में और ज्योग्राफी टीचिंग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है किसके लिए जो हमारा डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है वो ठीक है जैसा कि इसमें भाई मैं, मैंने एग्जाम्पल लिया कि भाई आपको अर्थ को अगर दिखाना है तो आप डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं किसी मॉडल के द्वारा आप समझा सकते हैं ठीक है अगर इसकी बात करें इसके मेरिट्स क्या क्या हैं तो भाई सीधी सी बात है साइकोलॉजिकल है क्योंकि बच्चे ने काम को होते हुए अपने आप से देखा है अपनी नजरों से उसको देखा है तो भाई वो क्या करेगा उसके माइंड पर इम्पैक्ट डालेगा कि हाँ ये तो मैंने होते हुए देखा है जैसे कि अभी मैंने दिखाया था कि भाई जो हमारा जो वोल्केनो इरप्शन है वो कैसे होता है ठीक है तो बच्चा उसको होते हुए देखेगा तो भाई उसको कभी भूलेगा ही नहीं और उसके माइंड पे एक इंपैक्ट डालता है हमेशा हमेशा के लिए तो ये क्या होगा साइकोलॉजिकल मेथड होगा आफ्टर दैट ये देता है क्यूरियोसिटी को है ना जो बच्चे के मन के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी थी यार होता कैसे होगा ऐसे कैसे होता होगा कि बाहर इतनी जोर से वो निकलता है जो है हमारा मैग्मा जो है कि वो बाहर आकर निकल के ऐसे लावा बन के फैल जाता है ऐसा कैसे पॉसिबल है ठीक है तो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी उससे शांत होती है है ना जो उसकी क्रिएटिविटी है उसको भी बढ़ावा मिलता है ठीक है आफ्टर दैट इसका एक बहुत जो अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑल स्टूडेंट्स थिंक इन द सेम डिजायर्ड एंड राइट डायरेक्शन जो सभी बच्चे होते हैं ना क्योंकि वो चीजों को होते हुए देख रहे हैं वो चीजों को अपने सामने होते हुए देख रहे हैं दैट्स वाई उनका ध्यान पूरा सभी का ध्यान एक ही जगह पर होता है और इससे इवन जो एक बैकवर्ड चिल्ड्रन होता है जो एक बैकवर्ड बच्चा होता है ना वो भी बहुत अच्छे से समझ पाता है क्योंकि उसने चीज को होते हुए देखा है ठीक है ना जो बच्चे होते हैं जो भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं वो भी इस मेथड से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्यों क्योंकि ये चीजों को अपने आप से होते हुए देखते हैं ठीक है तो भाई आगे देख लेते हैं भाई इसकी डिमेरिक्स अगर बात करें तो जैसा कि अभी पूजारिया जी ने बताया ये चाह टीचर सेंटर्ड है बस ये है कि बच्चा अपने हाथ से नहीं कर रहा ये यहां पे एक दोष हो जाता है उसके बाद में वही बात आ रही भाई अपने आप से नहीं कर रहे मतलब डू नॉट लर्न बाई डूइंग हिम सेल्फ और हर सेल्फ ठीक है उसके बाद में जो लेबोरेटरी रिलेटेड स्किल्स हैं, वो बच्चे में डेवलप नहीं हो पाती है जो जो स्किल्स हैं, वो तो केवल टीचर तक या लैब असिस्टेंट तक ही सीमित रह गई है ना तो यहां पर बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो पाती इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पर लिया था एक्सपेरिमेंट मैथड तो को हमने पहले नंबर पर लिया था क्योंकि वो बेस्ट माना जाता है ठीक है और भाई जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं इसमें कई बार क्या होता है मैंने कहा कि बैकवर्ड चिल्ड्रन भी देख लेता है लेकिन कई बार क्या हो जाता है नेग्लेक्टेड भी रह जाता है क्योंकि इसमें जो होता है वो देख रहा है लेकिन वो उसको कई बार प्रश्न पूछने से वो घबराता है क्योंकि वो क्या है बैकवर्ड रहा है क्लास में देख तो रहा है वो उस चीज को लेकिन एग्जैक्टली exactly मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कैसे मैं उस चीज को समझू तो कई बार उसके मन में चीजें रह जाती है तो दोनों ही चीजें हैं उससे उसको बेनिफिट भी मिल रहा है लेकिन कई बार वो नेग्लेक्टेड भी रह जाता है दोनों ही चीजों को आपको मान के चलना है चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हुए डिमोस्ट्रेशन मेथड से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं फटाफट से आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं जी आ बिल्कुल 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 अरे बीएड की बातें यहां ना करो भाई जल्दी से बताओ यहां का आंसर वेरी गुड आपके सामने प्रश्न आ चुका है शबाश शबाश शवास वेरी गुड वेरी गुड अरे आप अपने हिसाब से पेपर करिए रिजल्ट अपने आप आता रहेगा एग्जाम पे ध्यान दो रिजल्ट पे नहीं बस बोलते हैं ना कि भाई कर्म के देखो फल अपने आप आएगा शबाश इसका आंसर देंगे विच ऑफ द दिंग नोट ए डिफिक डिफिकल्ट डिफिकल्टी यू वुड स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट बुक डायग्राम ऑफ सोलर इक्लिप्स फॉर्मेशन जब आप सोलर इक्लिप्स फॉर्मेशन अगर आप करते हैं तो भाई कौन सा क्या है नोट होगी मतलब नहीं होगी डिफिकल्टी नोट ए डिफिकल्टी हाँ हाँ बिल्कुल क्या डिफिकल्टी नहीं होगी भाई डिपिक्शन ऑफ ए थ्री डायमेंशनल फिनोमिन इज टू डायमेंशन भाई वैसे जो होता है इक्लिप्स जो होता है वो तो थ्री डायमेंशनल होता है लेकिन बुक में तो टू डायमेंशनल आएगा ठीक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटिव डिस्टेंस इज बिटवीन सन द अर्थ एंड द मून की भाई रिलेटिव डिस्टेंस बुक में तो छोटा आएगा वैसे उनकी दूरी तो बहुत ज्यादा है

ए डिफिकल्टी जो कि एक डिफिकल्टी नहीं है वो आपको बतानी है ठीक है डिपिक्शन ऑफ ए डायमेंशनल इज ठीक है क्या कहा गया भाई कठिनाई नहीं है जिसमें आप विशेष रूप से पाठ्यपुस्तक में सूर्य ग्रहण के बारे में प्रक्रिया आर एक्स से संबंध करेंगे भाई देखिए हम टू डायमेंशनली भी इस चीज को दिखा सकते हैं कि भाई ये सन है ठीक है जी ठीक है कौन सा दिखा रहा है इक्लिप्स एक के बारे में सोलर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? और ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये जो है हमारा जो चंद्रमा है चक्कर काटता काटता यदि बीच में आ गया तो भाई हमें सन नहीं दिखाई देगा हम इसको टू डायमेंशनली भी दिखा सकते हैं ये कोई बड़ी डिफिकल्टी की बात नहीं है ठीक है एक सेकेंड एक सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई नहीं है ये कठिनाई हम्म एक सेकंड भाई एक सेकंड एक सेकंड uh, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ सॉरी सॉरी टू से नहीं वाला जो प्रश्न है कई बार मुझे भी उलझा देता है ठीक है वही मैं कह रहा हूं ना कि मुझे भी कई बार चीजों में गलती हो जाती है ठीक है हाँ देखते हैं क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफिकल्टी जो डिफिकल्टी नहीं है यू uh, वुड इस पे जब आप उसको पढ़ा रहे हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में जब आप बता रहे हैं तो कौन सी डिफिकल्टी नहीं है ठीक है हाँ तो देखते हैं भाई डिपिक्शन ऑफ द थ्री डायमेंशन फिनोमिन हाँ बिल्कुल ये देखो डिफिकल्टी आएगी क्योंकि थ्री डायमेंशन एक अलग चीज़ है और टू डायमेंशन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो भाई थ्री डायमेंशनल एक अलग चीज हो जाती है भाई चीजें कैसे घूम रही हैं वो एक अलग चीज़ है और हम इसको टू डायमेंशन में दिखाएंगे तो वहां पर हमें प्रॉब्लम आएगी तो ये डिफिकल्टी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटिव डिस्टेंसेज क्योंकि जैसे मैंने भी, पहले भी कहा जब मैं बता रहा था तो मैं सही जा रहा था ठीक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्योंकि भाई वैसे डिस्टेंस जो है वो काफी सारा है और वैसे अगर हम दिखाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है ठीक है और अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव साइजेज ऑफ द अर्थ रिलेटिव साइज में भी हमें प्रॉब्लम आती है कि भाई हम सन को यहां पर हम इतना बड़ा दिखा रहे हैं अर्थ को हम इतनी बड़ी दिखा रहे हैं जबकि सन के साइज के सामने अर्थ के साइज कुछ भी नहीं है ठीक है इसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन द अर्थ एंड द मून ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम उसको दिखा सकते हैं कि ये किस तरीके से यहां पर अपने ऑर्बिट में ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है किसके कारण से ग्रेविटेशन के कारण से ठीक है तो मुझे पहली बार जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सही जा रहा था दूसरी बार में जब आपका आंसर मैंने देखा तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा जब समझा इसको तो मुझे लगा कि नहीं शायद कुछ अलग हो सकता है ठीक है तो वो उसके लिए भाई मैं सॉरी कहना चाह रहा हूं तो हमारा आंसर सी ही है बिल्कुल सही यहां पे प्रॉब्लम नहीं है बाकी तीन में प्रॉब्लम है ठीक है जी हाँ बाकी से में डिफिकल्टी होगी सी में नहीं होगी बस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ठीक है हाँ चलिए भाई शबाश अगले पे चलते हैं वेरी गुड भाई मेरी बात को सही करने के लिए थैंक यू सो मच चलिए आगे चलते सत्रह एक दो हजार बाईस को आया हुआ क्वेश्चन है टीचर अलोंग विद हर क्लास सेवन स्टूडेंट्स ज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट ग्रो दे प्लांटेड मतलब प्लांट को ग्रो कैसे करेंगे वो दिखा रहे हैं एक बार हिंदी में पढ़ लेते तो इंग्लिश में पढ़ने में आसानी होती है तो एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे फिर हम चलते हैं हिंदी पे ठीक है आ भाई पौधे कैसे उगते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं उन्होंने अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहुत से बीज ठीक है टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए ठीक है उनकी देखभाल की ठीक है कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों ने तो पौधों के रूप में वृद्धि करना आरंभ कर दिया जबकि अन्य मर गए भाई कुछ तो आरंभ कर दिया कुछ जो है वो मर गए शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकनों का प्रयोग करके सोचे कि क्या कारक हो सकते हैं जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए इस विधि के इस गतिविधि के द्वारा कौन से प्रक्रिया कौशल को विकसित होने की संभावना है जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही जा रहे हैं इसका मैंने शुरुआत में ही पहले ही क्वेश्चन में मैंने इसका जिक्र किया था बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल आप आपको कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे रहे हैं और वो होगा हमारा आंसर सही होगा और अगर पीछे समझे तो क्या आंसर होगा हाइपोथेसाइजिंग मतलब परिकल्पना कर रहा है कि भाई क्या कारण रहा होगा कि ये उगे और ये नहीं उग पाए और आप सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही और जी हाँ पूजा आर्य ने दिया है सबसे पहले अब की बार आंसर और जी हाँ आप सभी के आंसर सही आकांक्षा गर्ग इरफाना मुदस्सिर रीता सिंह मंजुला कुमारी विकास कुमार पूजा कौशिक जफर मुल्ला और साइंस कॉन्सेप्ट जी आपका भी आंसर है बिल्कुल सही चलिए आगे देखते हैं भाई अगेन सत्रह एक दो हजार बाईस का टीचर गिव्स द एग्जांपल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर इन वाटर टैंक टू लो प्रेशर लो प्रेशर टू एक्सप्लेन द ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू हर स्टूडेंट्स ठीक है जी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने के लिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर दिखा रही है विच पेडागोजिकल डिवाइस इज शी यूजिंग कौन सा पेडागोजिकल डिवाइस वो यूज कर रही होगी जी हाँ क्या आंसर होगा शबाश वास्तविक वस्तुएं या तर्क देना या तुल्य रूपता या खुले सिर के सवाल पूछना वह किस अनुदेशनात्मक युक्ति का शब्द पर ध्यान देंगे अनुदेशनात्मक युक्ति पैडागोजिकल डिवाइस यहां पर कोई फिजिकल डिवाइस की बात नहीं चल रही है यहां किसी फिजिकल डिवाइस की बात नहीं चल रही है यहां पर बात किसकी चल रही है पैडागोजिकल डिवाइस की पैडागोजिकल डिवाइस की बात चल रही है अगेन अगेन आप प्रश्न को दोबारा से देखिए यहां पर वो क्या कर रही है यहां पर वो एनालॉजी कर रही है एनालॉजी मतलब तुलनात्मक मतलब तुल्य रूपता दो चीजों की तुलना कर रही है वो और दो चीजों की तुलना करना भी दो चीजों की तुलना करना भी एक पेडागोजिकल टेक्निक है जी हां जफर मुल्ला जी ने कहा है सबसे पहले बिल्कुल सही क्योंकि यहां पर एक्चुअल डिवाइस की बात नहीं चल रही है यहां पर बात चल रही कौन से तकनीक का इस्तेमाल कर रही है वो किसका इस्तेमाल कर रही है वो एनालोजी का इस्तेमाल कर रही है यहां पर ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई आ, बिल्कुल बिल्कुल आ, चलिए भाई एक सेकेंड अगला क्वेश्चन देख लेते इसका तो आंसर आ ही गया चलिए इसको देख लेते भाई

परिकल्पना करना क्योंकि भाई यहां पर भी वो यही पूछ रही है कि आपके विचार से है ना क्या किया जा सकता है मतलब बच्चों को कल्पना करने के लिए कह रही है हाइपोथेसिस के लिए पूछ रही है दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा बी होगा बिल्कुल सही ठीक है जी तो भाई आज की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं होपफुली जो हमारे जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे टीचिंग uh, मेथड्स है वो हमने आज डिस्कस किए जो कि थे हमारा सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट मेथड एंड द सेकंड वन इज डिमोन्स्ट्रेशन मैथड ठीक है तो अभी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारे राहुल सर की साइंस की क्लास रहेगी तो उसमें आप बने रहेंगे और 11 से 12 बजे तक जी हाँ आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन उसमें भी आपको बने रहना है हम बहुत बहुत सारे प्रश्न आज उसमें करने वाले हैं तो आपने क्लास अटेंड की उसके लिए थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे बाय